गाजियाबाद का वार्ड 18 शास्त्री नगर कॉलोनी, शास्त्री नगर के ब्लॉक समस्याओं की कॉलोनी बन चुकी है, जहां सीवर का पानी ओवरफ्लो होता है और घरों में घुस जाता है, जिस कारण से बच्चे और बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, कॉलोनी की मुख्य सड़क को कूड़ा घर बना दिया गया है। इस सड़क के ठीक सामने एक मंदिर है जो आज वीरान है, लेकिन वहां कभी भक्तों की कतार लगा करती थी। कॉलोनी वासियों ने जनप्रतिनिधि अधिकारी और पार्षद को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी हल उनके सामने नहीं निकल के आया। इसके अलावा कॉलोनी में छोटे पशु जो मृत हो जाते हैं उनको भी नगर निगम उठाने नहीं आता है। अंत में इन पशुओं को पार्क के कोने में किवाड़ से यानी कि गेट से ढक के रख दिया जाता है। नमस्ते गाजियाबाद, अभी हम शास्त्री नगर के ब्लॉक में हैं और शास्त्री नगर में सीवर की ओवरफ्लो होने की समस्या सामने आ रही है। निवासी इससे कई सालों से परेशान है। उनके घर के पास गंदगी जमा होती है, जो बुज़ुर्ग है वो घर के बाहर नहीं बैठते हैं, बच्चे घर के बाहर स्कूल के वक्त भी अपने मुंह को ढक के निकलते हैं और कई सारी बीमारियों को ये जो सीवर का पानी है ये न्योता देता है। इस पर निवासी क्या कह रहे हैं और नगर निगम के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक सीवर हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पिछले 5 सालों से लगातार बहता है। वो ठेकेदार आते हैं, करके जाते हैं और उसको खाना पूर्ति करके वापिस चले जाते हैं। पीड़ा हमें झेलना पड़ती है। यानी अगर आप यहाँ देखें तो शायद ही कोई घर ऐसा होगा जो सीवर टैक्स या हाउस टैक्स में डिले करता हो, या वो सभी अपना समय से भुगतान करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी गाज़ियाबाद स्वच्छ शहरों के 10वें या 11वें नंबर में आने के बावजूद ही अगर ये स्थिति है। पीछे भी अगर आप देखें तो एक कूड़ा दान लगभग बन चुका है, तो सफाई को लेकर तो बिल्कुल ध्यान है नहीं और अनेकों बार प्रयास भी किए गए, परंतु वो एक स्थायी समाधान नहीं दे रहे। बार बार आते हैं, कुछ काम करके जाते हैं, 2 दिन बाद वो हो जाता है, तो औपचारिकताएं मात्र होकर रह गई हैं। कॉलोनी की मुख्य सड़क पर ही कूड़ा घर बना दिया गया है। ये कूड़ा घर पास से काफी बदबू भी देता है। पर पास में ही लगा हुआ मंदिर है और गौवंश यहाँ पे पन्नियाँ और इस तरह का भोज्य पदार्थ जो भी लोग कूड़े में डाल के जाते हैं उसको ग्रहण करता है। बहुत सारी गाय बीमार हो चुकी हैं, इसमें से ये लोग गाय 2 बच्चों को हर्ट भी कर चुकी हैं। कुत्तों की बहुत बड़ी जीवंत समस्या है यहाँ पे और आवारा कुत्ते हैं, बच्चों को यहाँ पे काट चुके हैं। काफ़ी सारे केसेस पिछले दिनों में देखने में आए हैं। कॉलोनी के पार्क में बच्चे खेलने नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर छोटे मृत जानवरों की दुर्गंध काफ़ी तेज आती है। हमारे इस वार्ड में समस्या ही समस्या। देखो पिल्ला कितने दिन से मरा पड़ा है, इससे पहले 4 पिल्ले उठाए थे। कोई भी सीवर इतना बह रहा है, सीवर की तरफ कोई ध्यान नहीं। आते हैं वहाँ से, बस मशीन लगाई चल दिया, यहाँ तक तो कोई आया नहीं। आंटी कल भी आए थे और मशीन लगा के, हाँ, और कह रहा हूं, मैं खाली और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस ब्लॉक को तो ब्लॉक समझते ही। हमारी टीम ने इस समस्या पे जब वार्ड के पार्षद से जवाब मांगने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन उठा के समस्या सुनने के बाद कहा कि अभी मैं एक कार्यक्रम में हूँ। उसके बाद रिपीटेड कॉल और मैसेज के बाद भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। महापौर ने भी हमारा कॉल नहीं उठाया। इसके अलावा नगर आयुक्त भी हमारे से बात नहीं कर पाए। उनको भी कॉल और मैसेज दोनों के द्वारा इस पर जवाब देने के लिए कहा गया।